ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन कथा शिव महापुराण माघ के इस पावन महीने में भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव करुणा सागर के इस पावन नर्मदा जी के तट पर विराजमान कुक्षी नगर जिसमें पुनीत कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा में विराजमान जोबट नगर से पधारे आदरणीय परम पूज्य भगवत चरणारविंद का स्मरण करने वाले शर्मा जी एवं सभी कथा में विराजमान श्रोता भाई बहन, प्रभु कृपा है और उसकी कृपा बिना दुनिया में पत्ता नहीं हिल सकता। वो करुणा करा है, इसलिए माघ के इस पावन महीने में शिव महापुराण की कथा मिली है। कथा के प्रथम में भी आपको कहा, दुनिया के लोग गंगा नहाने के लिए त्रिवेणी संगम में कुंभ में जा रहे हैं, स्वयं त्रिवेणी गंगा यहीं आकर कुक्षी में विराजमान हो गई कि आप नहीं जा सकते तो यहीं गोता लगा लीजिए। ये उसकी कृपा है और जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक जीवन का कोई सुख नहीं हो सकता। सुख की अनुभूति उस परमात्मा के चरण है। और परमात्मा के चरणारविंद के बिना कोई गति ही जीव की नहीं। कल एक भजन में आपको कहा था कि तूने जो जोड़ा है वो कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ कर रखा और वो किसी काम का नहीं रहा।
कोई कहता है हमारे बेटों के लिए जोड़ रहे हैं, कोई कहती है हमारी बहू के लिए जोड़ रहे हैं, कोई कहता है हमारी बेटी के लिए जोड़ रहे हैं, कोई कहता है हमारे जमाई के लिए जोड़ रहे हैं, कोई कहे हमारे नाती के लिए, हमारे पंती के लिए जोड़ रहे हैं। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ लेगा और बेटा कपूत होगा तो तुम कितना भी जोड़कर चले जाना आखिरी में चूना लगा ही देगा। सबसे बड़ी दौलत आपको रोज कथा में कह रहे हैं कि घर का संस्कार से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। आप अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार अगर प्रदान कर दोगे और बच्चे कहीं सत्कर्म की ओर अगर अग्रण्य हो जाते हैं, कहीं पर धर्म की ओर अग्रण्य हो जाते हैं, तो ये जीवन का सुख है। इस शिव महापुराण समिति में जो भी जुड़े हैं, हम तो कहें चाहे वो अध्यक्ष महेश्वरी जी हो, चाहे साईं मंदिर समिति हो, चाहे दिनेश भाई आदि आदि जितने भी जुड़े हुए हो आप, बगीचे में फूल बहुत से होते हैं पर कुछ ही फूल टूटकर शिव महापुराण पर चढ़ते हैं। बगीचे में पुष्प तो बहुत होंगे पर कुछ पुष्प तो किसी के अर्थी पर जा रहे हैं, कोई पुष्प कहीं दूसरी जगह जा रहा है, कहीं कोई पुष्प मालूम पड़े कोई नेताजी आए हैं तो उनके गले में जा रहे हैं, कोई पांव पे गिर रहे हैं, कोई पंखड़ियों के रूप में जमीन पर पड़ रहे हैं, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो भगवान महादेव के ऊपर, शंकर के ऊपर, शिव महापुराण पर, सदगुरु के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। उसी तरह अगर ये शिव महापुराण समिति अगर बनी है और उसमें मान लो किसी को अध्यक्ष बनाया, किसी को उपाध्यक्ष बनाया, किसी को कोषाध्यक्ष बनाया, कहीं ना कहीं आपको छांट कर भगवान ने अगर शिव कथा में लगाया है तो समझ लेना आप वो पुष्प हो जो शंकर को प्रिय है, आप वो पुष्प हो जो शिव की प्रियता में है। आपको कथा के बीच में कहा था जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है और जिसको शिव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। आप वो पुष्प हो जिसको भगवान ने चुना हुआ है। आपके माध्यम से अगर कोई सत्कर्म हो रहा है, आपके माध्यम से अगर कोई धर्म हो रहा है, कोई पुण्य हो रहा है, कोई अच्छा कार्य आपके माध्यम से हो रहा है, तो आप प्रसन्न होना कि मेरी जिंदगी में मैंने कोई अच्छा काम आज करा है जो मेरे हाथों से होने जा रहा है। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोए। दुनिया उल्टी हो गई, कोई झूठ बोलकर किसी को छल लेता है तो इतना प्रसन्न होता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा काम कर लिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूं आज मैंने ये काम कर लिया, उसके साथ छल कर लिया, उसके साथ बेईमानी कर ली, उसके साथ कपट कर लिया, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है इस बात। हम किसी को धोखा दे दें तो प्रसन्नता होती है कि बड़ी प्रसन्नता की बात है मैंने उसके साथ ये धोखा करा है। पर हम छल, हम कपट, हम बेईमानी, हम प्रपंच के समय पर ये भान करना भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा देख रहा है। ये चौराहे से लेकर बस स्टैंड और बस स्टैंड से वो चौराहे और वह चौराहे से लेकर पानी की टंकी तक, और ये इधर खंडवा रोड पे भी चले जाओ तो इस साइड में भी जितने भी मकान बने हैं सब कैमरे लगे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है। किसी दुकान में जाओ तो लिखा हुआ है आप कैमरे की, अरे बोलो तो निगाह में नजर में, वहां जैसे ही पढ़ लेते हो तो थोड़ा सा गलत काम नहीं करते क्योंकि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। केवल एक दुकान में, केवल एक बैंक में, केवल एक ऑफिस में, केवल अन्य जगह पर एक चीज लिखी रहती है कि आप कैमरे की नजर में हो,
तो आप गलत काम करते नहीं हो, अच्छा काम करना चाहते हो, लाइन में लगना चाहते हो। उसी तरह बस ये कैमरे तो अभी चले कि मां लिख दिया कि तुम कैमरे की निगाह में हो, पर दुनिया के लोग ये क्या नहीं जानते कि जिस दिन तू पैदा हुआ, पृथ्वी पर आया, मां के गर्भ से तूने जन्म लिया, उस दिन से लेकर मरेगा तब तक तू कैमरे की निगाह में रहेगा, उस परमात्मा की निगाह, और वो शिव लगाया हुआ है नेत्र तेरे ऊपर, क्योंकि मैंने जन्म दिया है तो मारने वाला भी मैं हूं। अगर मां के स्तनों में मैंने दूध दिया है तो कफन देने वाला भी मैं हूं। अगर बाल्यावस्था में भोजन मैंने दिया है तो मृत्यु के समय पर अग्नि देने वाला भी मैं हूं। तो मुझे क्या करना, मैं तुझे देख रहा हूं हर पल हर घड़ी हर क्षण। हमें लगता है हम झूठ बोलेंगे तो कौन देखेगा, हम कपट करेंगे तो कौन देखेगा, हम बेईमानी करेंगे तो हमें कौन देखेगा, हम प्रपंच करेंगे तो हमको कौन देखेगा। पर इतना भान जरूर रखना कि तुम कैमरे की, अरे बोलो तो, नजर कुछ अच्छा कर, कुछ श्रेष्ठ कर। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो, अति सर्वस्व वर्जते। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, पड़ोसी को कोई टेंशन नहीं है, आफत तेरी हो जाएगी। खिलाने वाला तो खूब खिला देगा, लो साहब गुलाब जामुन लो, एक और लो, हमारे दादाजी को अच्छी लगती थी और लो, न काकी जी की मालपू अच्छा लगे ना तुम और लो, तो खिलाने वाले का कही जाए ये तो खिला। पर खाओ उतना जितना पचा सकते। हमारे ये मुन्ना जी अकाल बैठे हुए हैं, सुभाष जी जोबट वाले, इनका एक ही काम खाओ महाराज। चलो ये कहीं कथा में भी तीरथ में बस लेकर आवे सबको भर के, तो मिठाई के डब्बे पहले से तैयार, जब गुरु जी के कमरे में दिया और गुरु जी के अभी खाओ। खाओ उतना जितना पचा सकते और कमाओ भी उतना जितना भोग कर सकते, अति सर्वस्व बल, बहुत होगा, ठीक नहीं होगा। ज्यादा कमाओगे तो भी दुख आपको है और ज्यादा खाओगे तो भी दुख आपको है। एक वो घर में बूढ़ी माँ होती है, सास होती है, जिसके पास कुछ नहीं होता, तो बहुओं से कह देती है देख ले तेरी शादी में भी मैंने इतना दे दिया, चार मोती दिया सोने का, एक भी छोड़ी दी, एक पायल दी और चार साड़ी दी, बड़ी बहू के भी यही दी, हमारे पास कछु भी नहीं है। तो बहुओं को मालूम रहता कुछ है ही नहीं, तो आस लगाती भी नहीं, और सबसे बड़ा दुख का कारण तो आस ही है, सबसे बड़ा दुख का कारण आस है। सास को बड़ी बहू पे आस, छोटी बहू पे आस, ये बहू पे आस, सास को लगी रहे मेरी बड़ी करेगी कि छोटी करेगी, कहीं कहीं अभी हमारे सुबह एक माता जी मिलने आई, गुरुजी मारा कोई नहीं, मारा कौन करेगा, अरे कौन करेगा, भगवान पर विश्वास कर बाबा भोलेनाथ स्वयं करने के लिए आए, भरोसा तो रखो, विश्वास दृढ़ता प्रबल बनाकर रखो, वो स्वतः ही आएगा स्वयं स्वयं। कोई कहता है भगवान गुरु जी हमारे यहाँ पर पुत्र नहीं है, बेटियां हैं दो, भगवान से हमने खूब विनती करी तो भी हमारे यहाँ लड़का नहीं है गुरु जी, हमारे यहाँ बेटियां हैं। हमने कहा जी जी भगवान को धन्यवाद देना कि तूने अच्छा हुआ छोरी दी, नहीं तो कहीं का ऐसा छोरा मत देना कि बाद में, अभी इसलिए रो रहे हो कि पुत्र नहीं है और बाद में मालूम पड़े पुत्र हो जाए फिर रोना पड़ जाए, वो पूछे नहीं, ताना दे, गाली दे, अपशब्द कहे, इसलिए भगवान से कहना तुझे जो अच्छा लगे तू वो दे, हमारी मर्जी से मत दे, हमारी मर्जी से मत चल, तेरी ऊपर जो तेरा मन करे, जो तेरी कृपा हो जाए, बस उतने में मुझे संतुष्टि है, उतने।
परसों कहा था, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। बोलो तो, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत दे दिया है, मुझे मेरे मालिक सब बोलिए बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आओ, ताली बजाने से पाप निकल जाएगा, जो नहीं बजाएगा पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाएगा। ट्रांसफर करिए, जायदाद दी है ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। मेरे शिव, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ओहो, तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, तेरे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम ही जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत दे दिया है, मुझे
शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। जो दिया वो कुछ कम ना दिया, जो भी दिया उसने कम नहीं दिया, आशा से परे दिया। ये जो अच्छी अच्छी साड़ी पहन रहे हो, रकम पहन रहे हो, घर में रह रहे हो, अच्छा पति मिला, अच्छा पुत्र मिला, अच्छा बेटा मिला, बहू मिली, किसने दी? अरे बोलो तो, जम के बोलो जरा, मां देव परमात्मा ने दिया है। और उसी की कृपा से मिला। कौन सा अच्छा काम कर कर आए थे जो सोचो कि आज कुक्षी में आ गए और शिव पुराण की कथा सुन रहे। कौन सा अच्छा काम किया? एक गांव का व्यक्ति अपने गांव में रहता और थोड़ा बहुत कमाई कर कर लाता तो सोचता कि थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, इसका करूं क्या। तो उसके लिए वो कोड़ी खरीद लाता था, बचते पैसे तो कोड़ी लाता। क्या लाता है? कोड़ी। कोड़ी जानते हो? वो हाथ में बांधते कंकन डोरे में, लोग ऐसे खेलते, वो कोड़ी है। कोड़ी अब जितने रुपए बचते उतने की कोड़ी खरीद कर लाता। अब कोड़ियों का ढेर लग गया, पूरा ढेर कोड़ी 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 खट्टी। अब करे क्या वो कोड़ी का, पूरे घर में कोड़ी कोड़ी भरली बने, सारे बारदान सारे बोरे सारे बेग सब कोड़ियों से भरे। एक दिन राजा बीमार पड़ गया उसी नगर का, और नगर का राजा जब बीमार पड़ा, वेदों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर से पूछा बताओ इसका इलाज क्या है। डॉक्टर, राजा बीमार पड़ा है, उसको बहुत बड़ा चर्म रोग हो गया, तुम बताओ इसका इलाज क्या होगा। वेदों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा, इसका एक इलाज है, कोड़ियां लाइए, आग लगाइए, कोड़ी की राख तैयार करो, शरीर पे मलो, राजा ठीक हो जाएगा। ठीक है, राजा ने कहा अपने नगर में कोड़ियां देखो मिल जाए तो। पूरे नगर में ढूंढा तो कहीं कोड़ियां नहीं थी, पूरा मार्केट देख लिया, पूरा बाजार देख लिया, पर कोड़ी नहीं मिली। किसी ने कहा सुबह एक गांव का व्यक्ति आता है, पैसे लेकर पूरी कोड़ी खरीद के ले जाता है। उसका एड्रेस लिया, उसके यहाँ पहुंच गए, भैया हमको कोड़ियां चाहिए। क्या कोड़ी तो मेरे पैसे की, मैं काय को दूं? अरे भैया राजा बीमार पड़ा है, कोड़ियां दे। नहीं दूंगा, ये तो मेरे पैसे की, मेरे को नहीं देना, मैं नहीं दे सकता। अब तो खूब दूतों ने उसको डराया धमकाया, तब उसने कहा ठीक है ले जाओ, नहीं तो फांसी की सजा दे देंगे, ले जाओ। उन्होंने बारदान खोला बैग में, वो गांव का व्यक्ति थाली में कोड़ियां लाता, हाथ फेरता और फिर बैग में डाल देता, फिर लाता, फिर हाथ फेरता, फिर डाल देता। इतने में दूतों ने कहा राजा के एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, एक बार में पूरा बैग उठाकर दे दे, ये बार बार थालियों पर हाथ फेर कर क्यों दे रहा है, एक साथ उठाकर क्यों नहीं देता। उसने कहा भैया मैं थालियों में कोड़ियों पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में वो कोड़ी को ढूंढ रहा हूं, ना जाने कौन सी एक कोड़ी इन कोड़ियों में ऐसी आ गई जो मेरी इतनी सारी कोड़ियों को लेकर चली गई। उस कोड़ियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं कि वो कोड़ी कौन सी है। ध्यान रखना, अपने जीवन में एक कोड़ी कोई ऐसी आती है जो पूरे पैसे को बर्बाद कर देती है, और हमारे जीवन में एक कोड़ी कोई धर्म की सत्कर्म की पुण्य की ऐसी आती है जो हमारे द्वारा शिव महापुराण की कथा करवा लेती है। वो कोड़ी को ढूंढना है कि सत्कर्म में जो कोड़ी लग रही है, सत्कर्म में भजन में सत्संग में कीर्तन में जो कोड़ी लग रही है, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास करो कि वो कोड़ी कौन सी है जो हमारे धन को सत्कर्म की ओर लगा दी, और वो कोड़ी कौन सी है कि हमारे घर में ऐसा कौन सा कोड़ी आ गई, कौन सा पैसा आ गया जो आए दिन पैसा डॉक्टर में लग रहा है, इनकम टैक्स में लग रहा है, पुलिस में लग रहा है, इसमें लग रहा है। वो कोड़ी ढूंढिए कि कोड़ी कौन सी आई है, आखिर वो धन कौन सा आ गया।
ऐसा पैसा कौन सा आ गया जो हमारे धन को गलत जगह पर लगा रहा है। मेरे बच्चे मदिरा पान में कूद रहे हैं, मेरे बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, गलत प्रवृत्ति में जा रहे हैं, उसको जाने का कारण क्या है? वो कोड़ी को ढूंढने का प्रयास करे। सत्कर्म में क्यों नहीं जा रहे, भजन में क्यों नहीं, रिटर्न बढ़ाई रहे, सत्कर्म में क्यों नहीं जा रही, भजन में क्यों नहीं जा रही, कीर्तन में क्यों नहीं जा रही, स्मरण में क्यों नहीं जा रही? वो कोड़ी ढूंढी अवश्य मिलेगी। क्यों मन नहीं लगता कथा में, सत्संग में, भजन में? और जगह तो लग जाए, शादी में तो खूब गप्पे मारे रात के 12 बजे तक। कितनी बजे तक? 12 1 बजे तक खूब गप्पे लगाए, न जी जी ने, मामी ने, काकी ने, बुआ ने, सब बैठी जाए, ने मेहंदी इतना इतना तो मेहंदी मांडी लेने, ने तपेला ने पेंदा ने सब मांड मुंडी ले, और खूब गप्पे लगाए ने 12 एक एक बजे तक। और अभी ये शिव कथा वाले कह रहे हैं कि शाम के भजन संध्या, वो क्या बोलते हैं, सुंदर कांड होगा, ने अभी इनके बिठाई दो, सुंदर कांड में आदि बतूंगी पड़ी रहेगी। बोलो तो मन, अब रे, परंतु एक बात तो जरूर है, सत्संग में, भजन में, कथा में नींद इतनी मस्त आए जैसे महाराज लोरी सुना, ऐसो लगे जैसे महाराज लोरी गाई रहे, खूब चकाचक सो। इतनी तो डॉक्टर की दवाई से नींद नहीं आए जितनी जोरदार कथा में। तो मन में सोचो, एक व्यक्ति पूछा, गुरुजी ये बताओ कि कहीं पर शादी पार्टी होती है, किटी पार्टी होती है, डिस्को होता है, तो नींद नहीं आती है? क्योंकि 2-2 बजे तक लोग ऐसे ऐसे कूदते फिरे, नाचते फिरे, और कहीं कथा सत्संग हो, मंदिर हो, भजन हो, कीर्तन हो, तो नींद क्यों आए? हमने कहा भैया देखो, हमेशा नींद जो आती है ना, वो फूलों की सेज पर आती है। कभी कांटों में नींद आती है क्या? अरे बोलो तो सर, अच्छा बिस्तर लगा लगाए मिल जाए, सेज अच्छी मिल जाए तो नींद आ जाए, और कांटे अगर पड़े हो तो नींद आएगी क्या? नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, ये फूलों की सेज है, और शादी और ब्याह और किटी पार्टी और डिस्को, ये कांटों की सेज है, इसलिए वहां नींद नहीं आती, यहाँ झट आ जाए, अलमस्त होकर आनंद में। एक बार हरदा में कथा करने गए, हरदा टिमन्नी हरदा, तो एक अम्मा ऐसे खंबे पे टिक के बैठ जाए और काला कलर का चश्मा लगा के आए। हम सोचे इसकी आंख का ऑपरेशन हुआ, हमने तो सोचा भाई काला चश्मा लगाई तो आंख का ऑपरेशन हुआ होगा। अब बहुत भीड़, जगह है नहीं, वहां LIG कॉलोनी में कथा थी ग्राउंड में, तो हमने कहा वो पास में वो बैठी, तो एक काम करो उसके पास बैठ जाओ, उसके पास जगह खाली है। अरे महाराज हम तो नहीं बैठे, मैं तो गुर्राटा भरे। अब कथा पूरी हुई, वो बेलपत्री लेने के लिए आई, तो हमने कहा क्यों माँ, तू घर में नहीं सोए जो यहाँ कथा में आके सोए? अरे महाराज मैं तो नर्मदा मैया से, क्यों नर्मदा मैया? ऐसी शिव पुराण बजती रहे दोपहर में 1 से 4 तक, क्यों? घरे रहे तो वो बहू का छोरा छोरी प्राण खाए, कभी बहू प्राण खाए, कम से कम 3 कथा में। मैं तो नर्मदा जी से, क्यों नर्मदा जी ऐसी कथा बजती है? तो कई तुम में से तो एक भी ऐसी नहीं आई होगी जो घरे प्राण खाए से तो कथा में चलो हो, पर चित्त वृत्ति में परमात्मा। और जिस दिन चित्त वृत्ति में परमात्मा हो गया, उस दिन फिर कुछ गलत होगा ही नहीं, क्योंकि चित्त में भी परमात्मा हो, वृत्ति में भी परमात्मा हो, बुद्धि में भी परमात्मा हो, हर जगह पर। जब परमात्मा स्वतः ही आकर बैठ गया तो फिर सोचना क्या, हर जगह पर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंजना माता के सुंदर आनंद माँ अंजना के बहुत विनती करी है महाराज, माता अंजना के गर्भ से कोई औलाद नहीं, अंजना मैया के गर्भ से कोई औलाद नहीं। देखिए नंद बाबा 60 की आयु में आए तो उन्होंने कृष्ण को प्राप्त करा था, दशरथ जी 60 की आयु में आए तो
तो उन्होंने राम को प्राप्त करा था। कदर्म जी 60 की अवस्था में आकर उन्होंने कपिल देव महाराज को प्राप्त करा था। अंतरिषि 60 की आयु में आकर उन्होंने दत्तात्रेय को प्राप्त करा था। और यहां पर शिव महापुराण की कथा कहती है 60 वर्ष की आयु जब आपकी हो जाए तब प्रयास करना, भगवान से विनती करना कि हम परमात्मा के हो जाए और परमात्मा हमारे हो जाए। कौन सी आयु में? वैसे तो मनुष्य की आयु, गधा की आयु, कुत्ता की आयु और उल्लू की आयु, ये दोनों चार लोग हैं ना, इन चारों की आयु 40-40 साल थी। मनुष्य कितने साल का था? जम के बोलिए। 40 का। गधा जम के बोलो। 40। कुत्ता 40 और उल्लू वो भी 40। एक बार मनुष्य भगवान के पास में गया, बैठ गया और थोड़ी देर बाद में गधा आया। गधे ने आकर कहा, नारायण, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे करुणा सागर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, भोलेनाथ हमारी इतनी लंबी आयु दे दी, 40 साल का हमको बना दिया गधों को, हम गधे 40 साल तक लोगों का बोझा ढोए, 40 साल तक लोगों का बोझ ढोते फिरे, हे भोलेनाथ हमारी इतनी आयु मत दीजिए, आयु कम कर दो। भगवान भोलेनाथ दयालु थे, उन्होंने कहा ठीक है गधा, आज से तू 20 साल का। गधा की उम्र कितनी हो गई? 20 साल। मनुष्य वहीं बैठा था बाजू में, शंकर जी से बोला हमारा 40 में क्या होगा। भगवान ने कहा गधे की बच्ची है कि चलेगी, ले जा। कितने हो गए? थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया और कुत्ता आकर बोला भोलेनाथ हर हर महादेव। भगवान जी बोले अब क्या हो गया तेरे को? कुत्ता बोला प्रभु हमारी 40 साल की उम्र मना दी, हम 40 साल तक लोगों के दरवाजे पर बंधे रहे, दरवाजे पे चौखट पर बैठे रहे और दरवाजे पर बैठ कर झूठन खाएं और दरवाजे पे से चिल्लाएं, महाराज हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है कुत्ता, आज से तू 20 साल। मनुष्य बैठा था उसने कहा भगवान 60 में क्या होगा, क्योंकि मन और मसान कभी नहीं भरा था 60 में क्या। भगवान ने कहा ले जा 20 साल कुत्ता की, ले जा। कितने हो गए? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने आकर कहा हे भोलेनाथ तुमने मुझे उम्र दी 40 साल की, मैं 40 साल तक लोगों के पेड़ों पर टंगा रहा हूँ, रात रात भर जगता रहा हूँ, मुझे नींद आती नहीं, महाराज मेरे को एक काम करो, तुम तो मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है उल्लू आज से तू 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य बोला भोलेनाथ 80 में क्या होगा। भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है कि चलेगी, ले जा। कितना हो गया? 100। अब तुम ईमानदारी से ध्यान लगा कर देखो, 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। कितने साल? 40। खूब खाएगा पिएगा, मौज करेगा, एंजॉय करेगा, कपड़े भी कैसे भी पहन लेगा तो अच्छा लगेगा, खूब खजूर जैसी चोटी भी बनाएगी तो जोरदार लगेगी, सब 40 वर्ष तक तो मनुष्य अपनी जिंदगी के ऐसे जिए खूब अलमस्ती से। और 40 से जहां 60 की आयु आई तो बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, ब्याह करना है, इनकी नौकरी धंधा पानी लगाना है, बोझ किसकी लग गई? गधे की। कितने साल तक? 60 तक। और 60 के बाद में जब 80 का होगा तो किसकी लगी? कुत्ते की। 80 की उम्र आते से ही घर के बहू बेटा तेरी कुर्सी हॉल में लगा देगी, हॉल में तेरा पलंग बिछा देगी, कमरे से तू बाहर और दरवाजे के पास बिठाएंगे, और वहीं जैसे कुत्ते के लिए भोजन आता है तेरे लिए भी टाइम टू टाइम चाय दरवाजे पर, भोजन दरवाजे पर, सब सामान दरवाजे पर, और कोई भी आए और तू वहीं से चिल्लाए बहू, वहीं से आवाज, वहीं से चिल्लाए, क्योंकि किसकी लगी है? अरे बोलो तो, कुत्ता की। और कुत्ता की उम्र के बाद में जो उम्र आई 80 से 100 उल्लू की, डॉक्टर साहब के पास दिखाने गई, डॉक्टर साहब मारे नींद नहीं आए, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, ने रात के खाए, कितनी भी डॉक्टर की दवाई खा ले, चाहे कितनी भी वेद जी की औषधि खा ले, चाहे बाबा रामदेव के 50 योगा आश्रम कर ले, पर 80 से 100 में तो नींद आएगी नहीं, क्योंकि उल्लू की लगी है। 2-2.5 बजे तक सोएगी नहीं, फिर उल्लू जैसी बैठ जाए, फिर बस
फिर बैठी, पूरा घर में घूमती फिरे भूतनी की तरह। आधी रात की नींद नहीं आए, बहू से कि मारे नींद नहीं आए, बहू कह करे अरे बहू ने कहीं शिवपुराण की कथा सुनी होती तो समझा देती कि उल्लू की लग गई। अब बहू के कहीं मालूम कि नींद क्यों नहीं आई, तो लगी। सबकी लगेगी जी, जी हो ऐसा नहीं है, सबकी चक्र मिल रहा भजन चित्त वृत्ति चिदानंद आनंद बदल। सही उम्र कितनी है? 40। 40 वर्ष तक खूब खाओ पियो मौज करो आनंद करो अपनी जिंदगी का एंजॉय करो। और ध्यान देना, कोई महाराज तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, कोई तुमसे कहे कि नर्मदा जी के घाट पर जाके बैठ जाओ, कोई कहे कि तुम मंडलेश्वर बन जाओ, कोई कहे तुम फंडलेश्वर बन जाओ, कोई कहे तुम महात्मा जोगी बन जाओ, कोई कहे तुम पीठाधीश मठाधीश बन जाओ, तो उनसे हाथ जोड़ के कह देना सियोर वाला महाराज मना करके गए, हम तो नहीं बने दादा, हम नहीं बने। महंत बनना सरल है, संत बनना सरल है, जोगी सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, घर छोड़कर नर्मदा के घाट पर बैठकर भजन करना सरल है, पर घर में रहकर एक माला जपना भी बहुत कठिन है, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। संत बनोगे तो 1000 माला करना पड़ेगी, और घर में रहकर अगर एक मन का भी कर लिया, केवल राम जप लिया, बहुत है। कलयुग केवल नाम आधारा, चलते फिरते भी भजन करोगे तो उसके दरवाजे तक पहुंच जाओगे। इसलिए संत नहीं बनना, हमें जोगी नहीं बनना, हमें तपस्वी बन नहीं बनना, हमें साधु नहीं बनना, हम तो भैया गृहस्थी बन जाए ये बहुत बड़ी बात है दादा, ये बन जाना बहुत बड़ी बात। नहीं तो कई कई महाराज उन प्रवचन में कह दे तुम तो संत बन जाओ, तुम तो जोगी बन जाओ, तुम तो सन्यासी बन जाओ, तुम तो ये बन जाओ, नहीं हमें नहीं बनना। सियोर वाला महाराज मना करके गए, हम तो खूब खाओ पियो ने मौज करो, भगवान का भजन करो, कहीं शिव महापुराण की कथा मिल जाए मंडी में तो चलित जाओ सुनने सुनिया। भगवान भजन चित्त चिदानंद वृत्ति में भगवान सब महाराज। ये भगत लोग कह रहे थे गुरुजी पूरे कुक्षी में चारों तरफ शंकर ही शंकर की चर्चा चल रही है, शिव पुराण शिव पुराण। मैंने कहा अच्छा है चलना चाहिए, जबी तो सुबह एक अम्मा अपने पति के साथ मिलने आई थी, कौन गांव था रे, ककरिया बकरिया ना जाने कौन सा गांव था, राम जाने, वहां से मिलने आए तो पति बोला महाराज ये रात को सोने नहीं देती। मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया, क्या कुछ नहीं। तो मैंने उससे पूछा बात क्या है, तो क्या आधी रात के 3-4 बार चिल्लाए हार हार। हमने कहा ये हमने कहा कितनी अच्छी बात है, आधी रात को कहीं का चोर भी घुस जावे और ये चिल्ला दे तो चोर तो भग जावेगा ना, अच्छा है, लोग रात को गश्ती वाले को रखने की जरूरत ही नहीं। हर हर महादेव काहे सोचो, शिव की कृपा महाराज। और जब इस चित्त वृत्ति में परमात्मा रम जावे, अंजना माता के गर्भ से जब औलाद नहीं हुई, माता अंजना ने बहुत निवेदन करा, देवताओं का स्मरण करा, पूजन करा, पाठ करा, तब भी माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं हुई। तब गौतम बाबा के पास में माता अंजना ने जाकर निवेदन करा, पिताजी आप बताओ कि मैं किसकी पूजन करूं कि मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। गौतम बाबा ने भगवान शिव का अभिषेक करने का विधान बताया, शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता अंजना पूजन करती है अपने पति केसरी के साथ। किसके साथ में? पति केसरी के साथ। ये कृपा देखिए, एक अवस्था ढलने के बाद में परमात्मा का स्मरण चित्त कर रही है,
संतान की प्राप्ति के लिए। और याद रखिए, जहां पर दुनिया के डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, वहां पर एक ही काम कर सकता है, वो मेरा महादेव है। किसी को वेंटिलेटर पे पटक दिया, आईसीयू में पटक दिया, बड़ा ऑपरेशन कराना, उससे पहले डॉक्टर भी कह देता है अब हमारे हाथ में नहीं है अब तो, क्योंकि डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर सबसे बड़ा वहां बैठा है इलाज करने वाला, एक सबसे बड़ा वहां बैठा हुआ, और वो उसके बराबर कोई सर्जरी नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टरों को भी मालूम है सबसे पहली सर्जरी उसी ने करी थी, मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुंडा लगाया था, उसके बराबर डॉक्टर कौन होगा। ससुर को बकरे का मुंह लगा दिया था, उससे बड़ी सर्जरी कौन करेगा। तो सबको मालूम है कि शंकर जैसी कोई डॉक्टर कोई भेद कोई कर नहीं सकता। और सबसे ज्यादा अगर निंदा भी होती है तो किसकी होती है, लोग शिव की निंदा करते, शंकर वो तो गंजेड़ी है, वो तो भंगेड़ी है, वो तो नशे में धुत रहता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, अगर भगवान नशा करते, तुम्हारे यहाँ कोई नशा करे, तुम्हारी समाज में अगर कोई नशा करे, तो ईमानदारी से बताओ उसको कोई छोड़ी देगा क्या। अरे बोलो तो री जीजियो, अरे यो कुच्छी वाली, अच्छे से बोलो, देगा कोई छोरी नहीं देगा, क्यों, ये तो नशेला है, ये तो बेकार है। जब कोई नशा करता है तो उसको समाज में कोई लड़की नहीं देता। अगर मेरे भोलेनाथ गंजेड़ी होते भंगेड़ी होते तो उनको कितनी छोरी मिली, 52। पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ हुआ है, वो 52 नंबर का है। अगर गंजेड़ी भंगेड़ी होते तो एक नहीं मिलती, उसको तो 52 मिली, सोचो जरा। पार्वती जी के साथ में जो विवाह है वो 52वें नंबर का, कहां से पता। और बहुत सुंदर बात कही, जिसकी ज्यादा बुराई होती है निंदा होती है वही उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाता है, इसीलिए सारे बुराई करने वाले केवल देव रह गए और वो महादेव बन गया, वो महादेव। एक कितनी सुंदर कथा आती है, एक राजा बीमार पड़ गया, बहुत भारी रोग हो गया, शरीर टपक टपक कर नीचे गिरने लगा। इतने में राजा ने सारे डॉक्टर वेदों को दिखाया, कोई इलाज नहीं मिला। तब गुरुजी के पास में गए, गुरुदेव मेरा शरीर टपक टपक के नीचे गिर रहा है। गुरुजी ने कहा, ये बता तेरा बड़ा भाई था, हाँ वो तो मर गया, भाभी कहाँ है, कमरे में राजघराने में, अच्छा एक काम करना, किसी को बताना मती, किसी को बोलना मती, चुपचाप से भाभी के कमरे के बाहर रात को जाके दरी बिछा के सो जाना, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। राजा ने कहा, गुरुजी इससे अच्छा हो जाऊंगा, हाँ हो जाएगा जा। और गुरु तो गुरु, सुला दिया। अब वो रोज जाता भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जाता। एक नौकरानी ने दासी ने देख लिया और दासी देखकर दूसरी दासी के पास गई, अरे वो खोल ले राजा को तो देखो, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है। दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, पूरे नगर में बात फैल गई कि वो राजा अपनी भाभी के कमरे में जाकर सोता है। सब थूथू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, और जितनी जितनी राजा को गाली पड़ती गई राजा उतनी जल्दी बढ़िया हो गया ठीक, और एकदम स्वस्थ होकर राजा नरियल और श्रीफल लेकर गुरुजी के पास गया। गुरुदेव अच्छे अच्छे डॉक्टर और वेद ठीक नहीं कर पाए, गुरुदेव अच्छे अच्छे डॉक्टर और वेद भी ठीक नहीं कर पाए, गुरुदेव आपने कैसे कर दिया। गुरुजी बोले, अरे राजा तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक के गिर रहे थे, उन पाप को कम करने के लिए तेरी इतनी बुराई करवाई कि तेरा शरीर अच्छा हो। इसलिए पहले कहते थे निंदक न्यारे राखी, निंदा करने वालों को इसलिए पहले अलग से मकान देते थे कि यहां रहो और खूब हमारी निंदा कर। जिसकी निंदा होती है वो एकदम स्वस्थ होते चले जाता है। तुम देखना, एक घर में होती है बहू, एक होती है सास। बहू की उम्र 40 साल की है, कितने साल की, 40, 42, 43 या 33 या 25,
तो भी बहु की कहीं कमर दुखे, कहीं घुटना दुखे, कहीं आंख दुखे, कहीं सिर दुखे, और घर में वो सास कम से कम 70 साल की, 65 साल की, 75 साल की, 80 साल की, उसका कहीं नहीं दुखे। क्यों नहीं दुखे? क्योंकि बहु दिन भर सास की इतनी बुराई करती है, तो सास एकदम चकाचक होती चली जाती है। मेरा निवेदन है बहुओं से, जिसको सास जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो। तुम जितनी जितनी बुराई करोगी, सास उतनी जोरदार जोरदार साड़ी पहन के कथा में जाएगी, उतनी जोरदार। तुम जितनी बुराई करोगे वो उतनी स्वस्थ होती चली जाएगी, ना उसका घुटना दुखे। तो कहीं कहीं बहुएं भी के बताओ, हमारे को तो अभी से पतियों से कहते, हमारे तो 35-40 साल में ये हाल है, और मम्मी को तो देखो सुबह 5 बजे उठ जाने, चौका में चली जाने, सब काम कर ले, और काम करके ने मंदिर भी चली जाए, और मंदिर तो मंदिर ड्यूटी भी चली जाए, और ड्यूटी से आए दोपहर में 1 बजे ने कथा में भी चली जाए मंडी। बता सास तो ऐसी क्यों, सास इतनी चकाचक क्यों हो रही है? क्योंकि बहु दिन भर इतनी बुराई करे, इतनी बुराई करे, तो सास चकाचक होती चली जाए, चकाचक। इसलिए सासुओं से निवेदन है, बहु को दीपावली पे 2 साड़ी एक्स्ट्रा दिलाओ। निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन सब मेल। तो बहू को 2 साड़ी एक्स्ट्रा दिला, क्योंकि तू मेरा भला चाहती है, इसलिए सारी दुनिया में मेरी ढोंडी पीटती रहती है, सास ऐसी, और तू जितनी जितनी बुराई करे मैं उतनी उतनी चमेली भाई होती जाऊंगी। तो कर ही तू बिल्कुल नहीं सोचना कौन क्या कहेगा। दुनिया के लोग कहते हैं उसने हमारे को ऐसा बोल दिया इसलिए मैंने पलट के गाली दे दी। काय को दी, क्यों दी गाली? उसने अगर अपशब्द बोला है तो तेरी भलाई के लिए बोला है, उसने ताना दिया भलाई के लिए, उसने जितनी जितनी बुराई करी, जितनी जितनी निंदा करी, उतनी उतनी तेरी तरक्की हुई है। करने दे, जितनी बुराई कर सकता और कर, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, खूब चकाचक। कई माताओं की आदत रहती है, थोड़ी सी लड़ाई होती है खाना पीना छोड़ देती, मत छोड़ो, 3 रोटी घी लगा के ज्यादा खाओ, क्यों छोड़े? और हम तो भेरुओं से भी क्या, ये जरा जरा सी बात पे लड़ झगड़ के ने दुकान पे भगी जाए, और दुकान पे जाके बैठ जाए, खुद का भी दिमाग खराब, ने ग्राहक से भी माता भिड़ा, क्या मतलब? प्रेम से जाओ, जिस कर्म को कर रहे हो, दुकान संभाल रहे हो तो प्रेम से संभालो, व्यापार कर रहे हो तो प्रेम से करो, घर में रह रहे हो तो प्रेम से रहो। मेरा भोलेनाथ कैलाश पर बैठता था, अपने घर में जब आता था तो घर में कई बार पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ आपके सिर पर गंगा क्यों है? शंकर कहते हैं जब घर में प्रवेश करो तो मेरे से सीख लेकर करना कि अपने माथे को ठंडा कर फिर घर के अंदर जाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर इसका पानी कूद के चले जाओ, माथा ठंडा कर घर में प्रवेश करिए, एकदम शीतल रहकर, प्रेमवश रहकर, आनंद में रहकर घर में प्रवेश करिए। दुकान की बात घर में नहीं होना और घर की बात दुकान में नहीं होना, बहुत प्रेम से अलमस्त हो। और अलमस्ती जीव कैसा होता है, एक पत्नी ने पति को गाली दे दी, तुम तो जानवर हो, पति भी मौन, कहीं शिव पुराण सुन ली होगी तो अलमस्त दे दे, तुम तो जानवर हो। पति बोला बिल्कुल सही कह रही है, तू मेरी जान में तेरा वर, उसमें कहां गलत कहा, अलमस्त रहे, टेंशन लेकर जियोगे जीवन अच्छे से नहीं जी पाओगे, खूब मस्ती में जियो अलमस्त रहकर। भगवान भी कहे क्या बंदा मैंने पृथ्वी पर भेजा, इतना आनंद में रह रहा है, तो भगवान भी कहेगा कि दूसरी बार फिर जन्म दूंगा। और मालूम पड़े खटर पटर करके, पाप पाप कर कपट कपट कर छल छल कर बेईमानी बेईमानी कर झूठ बोल बोल कर पूरी जिंदगी निकाल दी, तो भगवान भी कहे कांका पैदा कर दिया, वापिस झेलो इसको। अच्छा, जो ज्यादा कपटी रहे, पापी रहे, जीवड़ा ऐसा, ये ऊपर भी नहीं जाए, क्योंकि भगवान भी के लाना मत ही, या झगड़े की छोड़ या नीचे ही, वो परमात्मा आ जाए इसके थोड़ी। तो के नंबर तो इसी का
इतने में भगवान शंकर भी उसको रिश्वत दे दे धर्मराज को यमराज को, तू ये ले ले बाजू वाली के उठला पर ये लीला भाई के ना, ये बहुत लीला रचेगी ऊपर ये कहीं की लीला भाई बैठी है तो बुरा मत मान दे रही इसके। हरे हरे भगवान ने कहे कहां लाए महाराज शिव विश्वनाथ कह रहे बाबा भोलेनाथ की कथा कर रही अंजनामा शंकर की उपासना में ली भगवान शिव की आराधना कर रही निवेदन कर रही। शिवाय नमः शिवाय Om Namah Shivaya. 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 Om Nam
अंजनामा लगी, शंकर की आराधना। बाबा भोलेनाथ जी से विनती करी, प्रभु मेरे यहां औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा करो तो मेरे यहां औलाद हो जाए। भगवान शिव ने कृपा कैसी करी, माता अंजना शिव की आराधना में लगी थी और भगवान शंकर का तेज पुंज पवन देव के माध्यम से अंजना माता के गर्भ में लाकर विराजमान कर दिया। भगवान शिव ढूंढे, इसने मांगा है कि आप जैसा पुत्र हो तो मेरे जैसा पुत्र कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं स्वयं अंजना तेरे ही गर्भ से आऊंगा, कहां ढूंढूंगा। आपको कथा में पहले भी कहा, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16108 रानियों ने गर्गाचार्य बाबा से कहकर अनुष्ठान करवाया। भगवान शंकर की 11-11 दिन तक एक एक रानी ने पूजन करी, तब जाकर भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,086 बच्चे हुए। किसकी कृपा से? अरे बोलो तो जमके, शिव की कृपा। और आपसे भी निवेदन, आपको जितने चाहिए आप शंकर की उतनी दिन आराधना कर लो, बस शिव की आराधना। और शिव करुणा सागर की आराधना में लीन था महाराज, उसमें छलता नहीं होना चाहिए। कई लोग भगवान के मंदिर भी जावे तो वहां पर भी छल उनके साथ में रहता है, मां भी सोचता रहता है चढ़ाऊं नहीं चढ़ाऊं। 5-6 फूल लेके भी जाए नहीं तो वो भी सोचे, 4 चढ़ा दिए, 1 थैली में लेके वापिस जाए, क्यों कहीं दूसरी जगह चढ़ा दूंगा। अब जो भगवान के सम्मुख में आ गया है, भोलेनाथ की साक्षी में पहुंच गया है, वो शिव को समर्पित हो जाना चाहिए, शंकर को समर्पित हो जाना चाहिए। उसमें फिर बचाने का क्रम नहीं है कि तो कुछ बचा लूंगा तो बाद में काम आएगा, नहीं नहीं नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, दुनिया के लोग कहते हैं थोड़ा बचा के चलो बुरे वक्त में काम आएगा, शिव कथा कहती है भगवान का इतना भजन कर लो कि बुरा वक्त ही काय को आएगा। आप आराधना तो करो, शंकर की स्मरण तो करो, भक्ति को तो धारण करो, शिव की उपासना तो करो। आप सोचोगे कि बुरा वक्त में काम आएगा, मतलब आपने सोच लिया कि बुरा वक्त जरूर आएगा, तो सोचना ही क्या कि बुरा वक्त क्यों आएगा, भजन करो, स्मरण में लीन रहो। जैसे मीरा, दादाजी बीमार पड़ गए, चोटी कर रही थी, कौन मीरा भाई, एक चोटी पूरी बांध ली थी केला वाली, देखी केला वाली चोटी, स्कूल में बांध के जाती हैं बच्चियां, यहां से गुत्ती गुत्ती नीचे तक लाए, नीचे से लेके फुंदा यहां लगा, ऐसी केला वाली एक चोटी मीरा भाई कर चुकी थी और दूसरी चोटी खुली थी।